हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग देख पाए थे इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या चीज़ होते हैं। हम लोग देख पाए थे इलेक्ट्रिफिकेशन रबिंग प्रोसेस से कैसे करते हैं। आज हमारे सामने इलेक्ट्रिफिकेशन इंडक्शन से कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन कंडक्शन से कैसे करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। आज के हिसाब में हम लोग देखते हैं, जरा ये एक रिजिड सपोर्ट है और उस पर एक न्यूट्रल बॉडी, नॉन मेटालिक बॉडी यहाँ पे हमने लगा लिया। न्यूट्रल कहने का मतलब ये होता है जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। एक दूर हमने ग्लास रॉड लिया जिस पर पहले से इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज हमने बना के रखा। देखिए, ये हमारा रिजिड सपोर्ट है और ये हमारा न्यूट्रल बॉडी था, आपको ध्यान में होगा। जैसे ही इलेक्ट्रो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इसके करीब लेके आए तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करता है, न्यूट्रल बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और इधर के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आकर के जम जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन ही, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है इस साइड से इस एंड पर। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तैयारी में है कि जैसे ही ग्लास रॉड इसमें कॉन्टेक्ट में आएगा बस हम इस पर कूद जाएंगे, इसलिए कि इसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस बॉडी पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज तो बराबर थे। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करके आया जिसके चलते इस एंड पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और इस पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, यहाँ पे एस्टेटिक फॉर्म में है और यह जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रुके हुए हैं इनका नाम हम लोग देंगे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स ये बंधे हुए हैं, बस रुके हुए हैं। अब हमने क्या किया, अगले फेज में जो एंड पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आया, दैट मींस लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उस एंड को हम लोग अर्थ के से जोड़ दिए अर्थिंग से। चूंकि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो अर्थ ने क्या किया, इस खाली हिस्से पर इलेक्ट्रॉन को भेज दिया। अब ये हिस्सा हमारा न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आया और इस जगह पे क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज, पहले से इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव करके आया था, जो ग्लास रॉड के चलते यहाँ पे बंधा हुआ था, रुका हुआ था, वो ऐसे आया। अब हमने क्या किया, ग्लास रॉड यहाँ से रिमूव कर दिया। तो पहले से नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पहले से तो बराबर थे, लेकिन अर्थ से कुछ और इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ भेज दिए तो ऑन द होल इस पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ग्रेटर हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, या फिर हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इस तरीके से यह बॉडी जो था वो नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन कहते हैं। अभी हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन, अब ऊपर हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। इंडक्शन में ग्लास रॉड दूर रह करके ही चार्ज बना दिया था, अब की बार कंडक्शन में ग्लास रॉड बॉडी के कॉन्टेक्ट में आकर के उसको चार्ज बना रहा है। समझते हैं जरा, यहाँ से एक न्यूट्रल बॉडी है जिस पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों इस पर बराबर हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड को लिया जिसको पॉजिटिवली चार्ज बनाया गया है। ग्लास रॉड को जैसे ही इस सस्पेंडेड दूसरे नॉन मेटालिक बॉडी के पास लेकर के आते हैं तो चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज था और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या किए, इस एंड की तरफ भाग आए और डिसिमिलर चार्जेज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसके चलते ये एक तरफ ये टिल्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ का आकर के रुके हुए, तो आपको याद होगा कि पिछले केस में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किस नाम से ना जानते थे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते थे। अब इधर ये टिल्ट कर गया, इधर ये झुक गया है, तो अब जब झुका तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह हेड निगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह हेड जो था वो पॉजिटिवली चार्ज है, ग्लास पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज है। अब की बार क्या किया, ग्लास रॉड को इसके बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाया, जैसे ही कॉन्टेक्ट में लाया तो ये नेगेटिवली चार्ज, इनसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ग्लास की तरफ हो गया, ग्लास कुछ हद तक क्या किया, न्यूट्रलाइज हो गया, उसको हमने हटा लिया। तो ग्लास रॉड जैसे ही कॉन्टेक्ट में आया इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो भाग गया।
इस केस में क्या है, इस बॉडी पर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस देन हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज लेस देन है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से। इस तरीके से यह बॉडी कैसा हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। दोनों केस में आपको याद होगा कि इंडक्शन में भी ग्लास रॉड लिया, कंडक्शन में भी ग्लास रॉड लिया। इंडक्शन में ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। इंडक्शन में ये कॉन्टेक्ट में नहीं आया था और हमने अर्थ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें भेजे थे। कंडक्शन में क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वो ग्लास रॉड ले करके चला गया और ये कंडक्ट में आया, तो इसको हम लोग बोले कंडक्शन। तो याद रखना है, इंडक्शन के केस में ग्लास से ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है और कंडक्शन के केस में जो चार्ज ग्लास पर होता है वही चार्ज हमारे न्यूट्रल बॉडी पर होता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाई कंडक्शन। अगला टॉपिक हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा कूलम्स लॉ। अभी हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिफिकेशन बाई कंडक्शन और इंडक्शन, वो हमारे गुजर गया। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ डिफाइन करता है कि दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है और उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो चार्ज के चलते लगने वाला फोर्स, चार्ज बॉडी में लगने वाला फोर्स कैसा होता है, पहले इसके बारे में सोचते हैं। अगर ये दोनों बॉडी सिमिलर चार्जेस का है तो वो रिपेल करेगा और डिसिमिलर चार्जेस का है तो अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन को पहले देखने के लिए, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास एक बॉडी है, पेयर ऑफ बॉडी, हमारे पास थ्री फेज हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फेज, तीनों को थोड़ा समझते हैं। बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी बी पर निगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स। अब इस फेज में जो होगा फोर्स ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, अट्रैक्शन। यहां पे क्या है, बॉडी ए को लिया लेकिन एक दूसरा बॉडी सी ले लिया, दोनों पर सिमिलर चार्जेज हैं और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहां क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फेज आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन। अब हमने क्या किया, बॉडी बी को फिर से लिया, एक और दूसरा बॉडी लिया जिस पर निगेटिव चार्ज है, दोनों पर निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस केस में दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ हम लोग किस नाम जानेंगे, रिपल्सन। तो पहले इसको समझें। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन जो कुछ भी है उसको थोड़ी देर के लिए चलो हमने मान लिया एफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें एक छोटा सा चीज हम लोग याद कर लेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये हमारे पास होता है 1.602173 डॉट 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 किया इंटू 10^-19 कूलम्ब। आपको ध्यान देना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ये है और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो भी 1.602173 इंटू 10^-19 कूलम्ब होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग ये निगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन के लिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात हम लोग देखेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम्ब चार्ज होता है तो एक कूलम्ब पूरा करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत आएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.2425 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ आपको एकदम याद रखनी पड़ेगी। फिलहाल हम लोग वापस आते हैं कूलम्स लॉ में। ये कूलम्स लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन के बारे में। तो कहता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दैट मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज Q1 एंड Q2। तो ये Q1 Q2 लगाने से पहले हम उस मान लेते हैं, चलो हमारे बॉडी पर इस पर A1 पे Q1 चार्ज है और इस पर हमारे पास कितना चार्ज है, Q2 चार्ज है, और इस दोनों के बीच का जो मीन डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया R। तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड चार्जेज, यानी कि Q1 इंटू Q2, इसको हमने बना दिया 1। ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ये बोलता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों बॉडी के बीच का जो मीन डिस्टेंस हमने कितना माना, आर। तो ये कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स 1/r², ये मेरा हो गया सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। इस दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब हम भी अट्रैक्शन बोल रहे होते हैं तो इसका मतलब आपका फर्स्ट फेज के लिए लिए होते हैं। अगर सेकेंड फेज और थर्ड फेज के बारे में आप सोचेंगे तो हम लोग यही चीज़ तो लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इसके लिए और यहाँ पे अट्रैक्शन के लिए। ऊपर वाले के केस के लिए Q1 Q2 माना, दोनों के बीच का मीन डिस्टेंस को आर लिया था। दोनों को कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई R² प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम लोग इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे Q1 इंटू Q2 बाई R² इंटू K, और छोटा सा सी भरते हैं, ये K कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग कुलम्स कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के। चलिए अभी हम लोग कुलम्स लॉ देख पा रहे थे, देख रहे थे ए और बी दो बॉडी है, एक पर Q1 चार्ज है, दूसरे पर Q2 चार्ज है, इसके चार्ज का कैरेक्टर जो था वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, इस पर जो था इलेक्ट्रो निगेटिव था, और दोनों के बीच का जो मीन डिस्टेंस हमने लिया था आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस दोनों के बीच में लगने वाला है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे Q1 इंटू Q2 बाई R² इंटू कुलम्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो है कुलम्स कॉन्स्टेंट, इसका जो वैल्यू बनता है वो 8.9875517979239 इंटू 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कूलम्बिक कांस्टेंट का वैल्यू 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हम लोग लेंगे। आगे के क्लास में यानी कि वीडियो नंबर 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का करंट इलेक्ट्रिसिटी।